हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू जॉर्ज रिपन, दिस इज अरुण पांडे। एंड आज हम बात करने वाले हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स इतने हैं, वैसे से किसका क्या यूज है आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ ग्लोबल से। ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स जिसके अंदर आप सेट कर सकते हो एरेज ऑफ वेरिएबल्स को एज अ ग्लोबली। जनरली हमने लोगों ने देखा है ऑलरेडी, अगर मुझे कोई चीज़ ग्लोबल बनाना होता है तो हम लोग क्या पास करते हैं, ग्लोबल नाम का कीवर्ड पास कर देते हैं किसी फंक्शन के अंदर। जब मैं कोई चीज़ को फंक्शन के अंदर यूज करना चाहता हूँ तो मैं अगर उसे ग्लोबल नाम का कीवर्ड के साथ अटैच कर दे तो वो वेरिएबल ग्लोबल हो जाता है और फंक्शन के अंदर भी यूज किया जा सकता है। ग्लोबल हो जाता है मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है इसलिए। सो उसी तरह से ग्लोबल्स होता है जो एरे ऑफ वेरिएबल्स को रख सकता है, ग्लोबली कर सकता है, ठीक है। ग्लोबल्स जो होता है हमारा सर्वर, नेक्स्ट हमारा सर्वर सिंपली हमारा सर्वर के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देने वाली है। जैसे आईपी एड्रेस कौन सा है, पोर्ट नंबर कौन सा है, वो सारे इन्फॉर्मेशन जो हेडर फाइल्स में सेट किया जाता है वो सब सर्वर के थ्रू लिए जा सकते हैं। सो कुछ मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे वी जस्ट फॉर्मेटेड एंड जस्ट कमेंट ऑल दोस थिंग्स। सो हम सर्वर की बात कर, सर्वर हमारा सर्वर क्रिएटेड हर एक इन्फॉर्मेशन रख सकता है, चाहे वो क्लाइंट एक्सेस करने वाला मशीन हो उसका आईपी एड्रेस उसका नेम, या फिर सर्वर में जो चल रहा है मशीन उसका आईपी एड्रेस उसका नेम, आप किस पाथ में वो बता देगा, क्या आपने यूआरएल में क्वेरी पास करके आए हो उसका इन्फॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन सर्वर के रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। सो लेट्स जस्ट रन इट एंड चेक इट आउट। जैसे यहाँ पे हमने पास किया डॉलर अंडरस्कोर सर्वर PHP underscore सर, जो खुद का ही इन्फॉर्मेशन देने वाला है, सर्वर का नेम देने वाला है, HTTP host देने वाला है, रेफरर एंड HTTP यूजर एजेंट एंड ब्ला ब्ला। चलिए देख लेते हैं इसे रन करके। यूँ तो आप इसके सारे बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से पढ़ना है। सो इसे राइट क्लिक करिए एंड जस्ट रन करिए। अगर PHP project 2 page 2 dot PHP जो हमारा फर्स्ट था वो हमारा क्या है, करंट स्क्रिप्ट यही है, राइट। हमारा PHP project 2 page 2 dot PHP। अब ये सब हमें कहाँ पे काम आता है, जब हम लोग फाइल अपलोडिंग करते हैं दैट टाइम फॉर्म को वैलिडेशन करने के टाइम पे भी काम आता है इन सब का यूज, जो खुद का करंट पाथ हमें रिटर्न करवाता है, ठीक है, वो कहाँ पे अवेलेबल है। लोकल हॉस्ट हमने पास किया था, देखिए यहाँ पे सर्वर नेम, जो करंट सर्वर नेम है, HTTP host दिखाएगा वो, HTTP रेफरेंस। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी डिटेल में पढ़ने के लिए ये आप W3 स्कूल के साइट पे भी जा सकते हो, वहाँ से आपको डिटेल में पता चल जाएगा, जो कि यहाँ पे है, मैंने ओपन भी किया हुआ है और यही से मैंने लिया हुआ है, ये कॉपी पेस्ट किया मैंने। सो यहाँ पे देखोगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स में जाओगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे इसके बारे में डिटेल में दे देगा कि सर्वर एड्रेस क्या है, गेटवे इंटरफेस क्या है, CGI सर्वर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हो रहा है, लेट्स से कौन सा देखते हैं, रेफरर होगा आई होप। HTTP रेफर, हाँ रेफर किया हुआ नहीं है ना, डायरेक्ट हम लोग रन कर रहे हैं ना किसी और, इसलिए। सो फिलहाल हम इसको जो रेफरर है उसकी जगह पे पेस्ट करते हैं दूसरा, जो कि है सेमीकोलन यहाँ पास करिए, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हो रहा है सर्वर का वो भी दिखाएगा, जैसे लोकल होस्ट और दिखाया नहीं किया एक्चुअली, कंट्रोल जेड यहाँ पे इसे इस तरह से कंट्रोल वी, ओके जस्ट सेव इट, सर्वर सॉफ्टवेयर रिफ्रेश। सो अपाचे 2.4.17 Win32 OpenSSL एंड ब्ला 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 सारे सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे दिखा दिए, लाइक PHP हम यूज कर रहे हैं उसका लैंग्वेज है, ये अपाचे सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीज़ें इसी तरह से आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो, चेक कर सकते हो, क्या करके यूज कर सकते हो। इवन फ्यूचर में इसका बहुत यूज होने वाला है नो डाउट, आप इतने सारे दिए हुए हैं, आप जो चाहे वो ले, सर्वर पोर्ट लेना है सर्वर पोर्ट ले लीजिए, यहाँ पे मैंने यहीं पे ऐड कर दिया डॉट स्पेस देके पोर्ट डॉट कंट्रोल से कंट्रोल एंजर रिफ्रेश करिए, पोर्ट नंबर दे देगा, ATP हमारा चल रहा है सर्वर करंटली। एंड इसी तरह से लेट से क्लाइंट का लेना है तो क्लाइंट का भी हमने शायद ऑलरेडी लिया, HTTP host लिया है, ओके। एंड यहाँ पे जाइए, ये देखिए सर्वर सिग्नेचर हो गया, सर्वर पोर्ट हो गया, स्क्रिप्ट फाइल वही देने वाला है, रिमोट होस्ट रिमोट एड्रेस ये भी ले सकते हो, लेट से रिमोट एड्रेस कंट्रोल सी यहीं पे ऐड कर देते हैं डॉट कंट्रोल वी
सेव करते हैं एंड कंट्रोल टैब F5। वाह कॉल क्या आया क्या वैसे, वन दैट्स इट, क्या बात कर रहे हो, रिमोट एड्रेस डॉट स्पेस लेट्स से कॉलन एंड जस्ट क्लोज इट सेव इट चेक इट F5। वाह कॉलन वन एड्रेस तो हमारा रिमोट होस्ट से आया है, ठीक है। तो सी what I'm looking for is the IP address of that remote address, remote machine. Control V, save and just refresh it. Online 15. तीन पे क्या है बेटे भाई, रिमोट होस्ट नहीं है। अच्छा रिमोट होस्ट उसको मिले नहीं रहा। ओके सो मतलब सब मिला के ये है कितने सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, इसमें से कुछ सम ऑफ देम आर वर्किंग और सम ऑफ देम आर नॉट वर्किंग, सो यू विल हैव टू चेक इट आउट विच वन इज वर्किंग एंड विच वन इज नॉट वर्किंग, राइट। सो एज पर द इंफॉर्मेशन रिटर्न्स द आईपी एड्रेस फ्रॉम वेयर द यूजर इज व्यूइंग द करंट पेज, the that is current page is our machine localhost, then it should print over here but it's not working, and I don't know why it is not working. It just removed the port number from here and is printing the again address, remote address, and it's showing only refresh it, it's showing only one, huh? Remote host to mil hi nahi raha, usko to nikal lete directly. अभी करंट मशीन ही हमारा लोकल होस्ट है जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें मिल रही है। ये चीज़ अगर सर्वर पर रहेगी तो मुझे सारी चीज़ें आई होप मिल जाएगी, नो डाउट, क्योंकि अभी हम लोग जो एक्सेस कर रहे हैं वो कोई सर्वर क्लाइंट का यूजर नहीं है, सेम सर्वर जहाँ पे वहीं पे, इसलिए मे बी इट मे बी प्रॉब्लम, राइट। सो फिलहाल वट एवर जो भी पॉसिबल था वो यहाँ पर मिल चुका है, आप देख सकते हो, एंड बाकी सारी चीज़ आप ट्राई कर सकते हो खुद मैनुअली, राइट। सो सर्वर का फिलहाल तो यही यूज है, इसके अलावा देखते हैं क्या है। रिक्वेस्ट क्या होता है आपको पता है, रिक्वेस्ट आप यूज कर सकते हो यूजिंग जैसे हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी गेट पोस्ट एंड रिक्वेस्ट तीनों के बारे में। तो रिक्वेस्ट अगर आप यूज कर रहे हो सुपर ग्लोबल वेरिएबल तो आप फॉर्म से सबमिट किए हुए डेटा को चाहे गेट हो चाहे पोस्ट हो दोनों को एक्सेस कर सकते हो, एंड सेम चीज गेट एंड पोस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है तो उसमें डिस्कस नहीं करूँगा मैं। फाइल्स पे चलते हैं, फाइल्स का यूज किया जाता है फाइल अपलोड करने के लिए। लेट्स से अपने एक इमेज अपलोड करवाना है तो मुझे $_files के थ्रू उसका नेम वगैरह लेना पड़ेगा, उसका इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जैसे हम लोग अभी $_get करते हैं तो मुझे URL उसका टेक्स्ट फील्ड का नाम पता चलता है, वैल्यू फेच करते हैं, राइट। तो उसी तरह से हम $_files करेंगे तो हम उस फाइल का नेम ले सकते हैं, उसी नेम लेने के बाद हम उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, तो वो सब इन्फॉर्मेशन मुझे $_files से होने वाली है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा है $_env। ओके यहाँ पे मैं कुछ एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मतलब एग्जांपल कुछ ये है कि मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल में वैल्यू रख रहा हूँ और उसे हम सिर्फ फेच कर रहे हैं। लेट्स से अब यहाँ पे हम लोग सिंपली $_env रखा, माई env हमारा ये हो जाएगा। जनरली कैसे वैल्यू रखा जाता है आपको ही पता है, लाइक की वैल्यू पेयर के बेस पे रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने माई env जो हमने रखा ये हमारा की हो गया, उसके लिए वैल्यू हो गया न्यू वेरिएबल। तो जो भी वैल्यू आया मैंने इसके अंदर रख दिया, किसके अंदर, न्यू वेरिएबल वेयर के अंदर। अब न्यू वेरिएबल वेयर को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं तो मुझे जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट आने वाला है लाइक इसका वैल्यू आने वाला है माई न्यू वेरिएबल। ओके सो इसके अलावा जो सर्वर में मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऑलरेडी सेट है वेरिएबल्स उसे एक्सेस करना है, उसे एक्सेस लेट से डेटाबेस के लिए हो गया, यूजर नेम हो गया, दूसरी चीज़ें हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। और उसके लिए हमें थोड़ा PHP INI के अंदर भी चेंजेस करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब वो सारी भी हम लोग लाइक करके देख लेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।